फिर एक टॉपिक है माइक्रो बॉडीज, टॉपिक का नाम है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो के मायने तो होते हैं स्मॉल, और बॉडीज से मुराद है स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत ही साइज में छोटे स्ट्रक्चर्स, माइक्रो बॉडीज सेल्स के अंदर होते हैं। कौन कौन से हैं? तीन है, दो के नाम हमारी बुक में लिखे हुए हैं, ग्लाइऑक्सीसोम और पराऑक्सीसोम। एक और है, उसका नाम है सिफेरोसोम। ये तीनों माइक्रो बॉडीज कहलाते हैं सेल्स की, और तीनों प्लांट्स के अंदर होते हैं, सिफेरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, पराऑक्सीसोम प्लांट्स में होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो पराऑक्सीसोम है वो एनिमल्स के अंदर भी होता है। सिफेरोसोम जो है प्लांट्स के अंदर है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो एसिडिक होते हैं, इनका नेचर एसिडिक होता है, इनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, और ये हाइड्रोलाइटिक हैं। हाइड्रोलाइटिक का मतलब ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर को ऐड करके चीजों को तोड़ते हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं इनके पास। ये होते कहाँ है? एंडोस्पर्म्स के अंदर होते हैं सीड में, कॉटिलीडन के अंदर होते हैं। इसके अलावा ये जितनी भी माइक्रो बॉडीज हैं ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं सेल्स के अंदर, इनको भी बना रहे हैं तीनों को, इसके अलावा गोल्जी बॉडी को भी बना रहे थे, इसके अलावा जो है बाकी के स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को भी बना रहे हैं। ग्लाइऑक्सीसोम जो है ये भी प्लांट्स के अंदर है, और इनका काम होता है कन्वर्ट करना फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में, इसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की मदद से ग्लाइऑक्सीसोम फैट्स को कन्वर्ट कराते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ये कहाँ होते हैं? कैस्टर ऑयल सीड में होते हैं, पीनट्स के अंदर होते हैं। जबकि पराऑक्सीसोम जो हैं ये क्या करते हैं, ये अमाइनो एसिड और यूरिया को कन्वर्ट कराते हैं, अमाइनो एसिड और यूरिया को कन्वर्ट कराते हैं, जो उसमें से अमोनिया निकलता है उसको कन्वर्ट कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड में, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड कैटालेज। इनमें एक एंजाइम होता है कैटालेज, जो कि टॉक्सिक मटेरियल को एक और टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट कराता है। अमाइनो एसिड और यूरिया से जो अमोनिया आ रहा है उसको कन्वर्ट करा रहे हैं, या टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड में, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड कैटालेज। और फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड इटसेल्फ एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये उसको दोबारा कन्वर्ट करा देते हैं या तोड़ देते हैं वाटर में और ऑक्सीजन में, बाय द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेज। ये काम है परऑक्सीसोम का। तो पहले इन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया बाय द हेल्प ऑफ कैटालेज, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ा वाटर में और ऑक्सीजन में बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेज। तो ये दो एंजाइम है, कैटालेज और ऑक्सीडेज, जो इनके अंदर होते हैं। इसके अलावा ये फोटो रिस्पायरेशन भी कराते हैं, और आपको मालूम होगा फोटो रिस्पायरेशन क्या होती है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ डे लाइट रिस्पायरेशन करना, रोशनी के रहते हुए रिस्पायरेशन करना। प्लांट नॉर्मली ये काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ये काम करते हैं, C4 प्लांट है, कैम प्लांट्स हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं, ये फोटो रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को अटैच करवा रहे होते हैं रूबिस्को एंजाइम के साथ, और फिर उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनसे एटीपी नहीं हासिल होता। तो प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं इस तरह से, इस मैकेनिज्म को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं, जो इनमें होती है, पराऑक्सीसोम्स में होती है। पराऑक्सीसोम फोटो रिस्पायरेशन भी कराते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर से, सिफेरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और पराऑक्सीसोम, इन तीनों को माइक्रोबॉडीज कहते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। तीनों प्लांट्स में है, लेकिन पराऑक्सीसोम एनिमल्स के अंदर भी होता है।